गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और ये सीखने वाले हैं कि ऐसा टॉपिक सिखाओ सर जो हमारे 11th में भी काम आए, 12th में भी काम में आए और आपके इंजीनियरिंग में भी काम में आएगा। तो सबसे पहले आप सब लोग रेडी हो जाओ नोट पेन लेके। 2 मिनट का वक्त देता हूं, नोट पेन लेके फटाफट रेडी हो जाओ बच्चों। तो सब लोग रेडी हो गए, तो अब स्टार्ट हो रहा है बहुत ही मेन वर्ड, इट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? लेट्स कंसीडर वन पाथ, पाथ ए टू बी। हियर ए डिफाइन एज अहमदाबाद एंड बी डिफाइन एज बॉम्बे। इट्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? वी divide into the small area. Here total distance is defined as x, but the small area defined is delta x. Here delta x is very small. All my dear students, it's very small. So इसका मतलब यह है कि हमने according to maths limit ले ली। Limit का मतलब क्या? Zero से बहुत ही नजदीक बट नॉट जीरो। यानी अब मैं डेल्टा एक्स को डिफाइन कर सकता हूं एज डी एक्स। स्मॉल डी इंडिकेट्स द डिफरेंशिएशन, स्मॉल डी इंटीग्रेट लाइक अ डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट? फर्स्ट वन, डी बाय डी एक्स एक्स रेस टू एन। दैट मीन्स हियर एन इज अ पावर ऑफ any positive or negative number. So n is here x raised to n minus 1. This is the basic formula of differentiation. So सबको समझ में आ रहा है? हो गया पक्का? सर ऐसा नहीं, आप हमें कोई एग्जाम्पल दो जल्दी समझ में आएगा। d by dx x raised to 5। चलो बच्चों कितनी पावर है? 5। तो जो पावर है वो आगे आएगी, पावर है वो आगे आएगी, तो पावर है वो आगे आएगी, एक पावर कम होगी, पावर है वो आगे आएगी। बच्चों ये फॉर्मूला आपका कुछ भी करके पक्का होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपका पक्का हो गया है तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पावर है वो आगे आएगा, एक पावर कम होगी, पावर है वो आगे आएगा, एक पावर कम होगी। तो ये 5x^4 बहुत ही सिंपल है बच्चों, और ट्राई करते हैं। चलो रेडी हो जाओ, डी बाय डी एक्स अब एक्स रेस टू 100। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, 100 आगे ले जाओ, 100 में से कट करो तो एक्स रेस टू 99। अब आ रहा है कुछ ट्विस्ट, रेडी हो सब लोग? ट्विस्ट ऐसा आ रहा है कि डी बाय डी एक्स 5x^2। तो अब क्या करोगे? तो बच्चों देखो 5 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो जो कांस्टेंट है वो आगे आएगा d by dx x^2। हाँ इसका तो आपको आता ही है, चलो क्या करेंगे, तो 5 आगे, x का पावर कितना है 2, तो आगे ले जाओ 2 minus 1, यानी 5 into 2x, दैट मींस माय आंसर इज 10x। बोलो बच्चों बहुत ही सिंपल, पक्का हो गया है? और आगे जाते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस। चलो और आगे प्रैक्टिस कर, डी बाय डी एक्स यहां पे मैं लिख रहा हूं 3x^3। अब मजा आएगा कौन कितना अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं 3 पहले आगे। अब बच्चों इसका फास्ट कैलकुलेशन करो, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 minus 1 यानी 2, यानी आपका आंसर आया 3×3=9x^2। बोलो परफेक्ट बच्चों, 100%। और एक देख लेते हैं, या फिर आपको ट्राई करने के लिए दे d by dx 100x^2, d by dx 50x, ट्राई करोगे? ये दोनों को ट्राई करो। सर ऐसा किसी ने पूछ लिया d by dx ओनली 100, एक्स है ही नहीं, तो 100 वैसा का वैसा एक्स की जीरो बोली जाती है बच्चों।
अगर वो नहीं है यानी किसी का भी जीरो यानी वन, अब आप चालू करो तो 100 वैसा का वैसा, जीरो आगे आ जाएगा, जीरो माइनस वन यानी माइनस वन, जीरो इंटू कोई भी टर्म करोगे आपका आंसर जीरो ही आएगा। रिपीट, आपका आंसर जीरो ही आएगा। तो आपको कुछ समझ में आना चाहिए कि सर ये है ना विदाउट एक्स है, विदाउट एक्स है इसका मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अगर मेरे को कोई यही चीज ऐसा लिख दे 50, यही चीज ऐसा लिख दे 3, यही चीज ऐसा लिख दे 500, 5000, 5 lakhs, कोई भी लिख सकता है, हमारा आंसर जीरो है। चलो सर ये तो मजा आ गया, ये तो हमें आ गया जो पावर का कॉन्सेप्ट था। अब हमें कुछ नया सिखाओ, हम लोग जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर d by dx of sin x, d by dx of cos x, d by dx of tan x। बच्चों ये तीन फॉर्मूला अभी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, परफेक्ट करने पड़ेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बोलो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। रिपीट, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। टेन का क्या है, टेन का आंसर आ रहा है sec square x। खुद ट्राई करोगे ऐसा क्यों आया? सर ये तीन तो चलो आपने बोला तो हम लोग पक्का कर देंगे, रट लेंगे, मस्त हो जाएगा। और दो कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक है मल्टीप्लीकेशन। मैं ऐसा लिखू डी बाई डी टी यू इन टी वी, अगर दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा? सॉरी बच्चों, अगर दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो हम क्या करेंगे? तो ध्यान सुनना, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, नाउ सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बोलो बच्चों आ गया? और एक ट्राई करते हैं, चलो और एक ट्राई, d by dt of x and y। चलो फर्स्ट कौन सा बच्चो? x, तो x as it is dy dt plus y as it is dy dt dx by dt। बोलो पक्का हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। सर जैसे मल्टीप्लीकेशन में कोई रोल है ऐसा डिवीजन के अंदर भी होगा, तो d by dt of x y यानी x डिवाइड बाय y, तो इसमें क्या करेंगे? तो ध्यान से इसका फॉर्मूला देखना, जो डिनोमिनेटर है वो नीचे उसका स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस, यहां पे प्लस था मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे माइनस है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला एज इट इज नीचे का डिफरेंशिएशन, है ना मस्त? थोड़ा टफ है पर अच्छे से करना पड़ेगा, तो ट्राई करते हैं। डी बाय डी टी यू बाय वी। चलो बच्चों नीचे कौन है? वी, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। सर हो रहा है, पक्का हो रहा है? और एक सिखा दो हमारा परफेक्ट हो जाए। चलो बच्चों और एक देख लेते, डी बाई डी टी ऑफ कोई भी सिंबल आप ले लो, ए डिवाइड बाय बी। चलो नीचे कौन है बच्चों? डी का स्क्वायर, बी एज इट इज डी ए बाई डी टी माइनस ए एज इट इज डी बी बाई डी टी।
बोलो दोस्तों, आपके सामने जो ये लेक्चर मैंने रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके 11, 12 और इंजीनियरिंग में भी बेसिक रूल के हिसाब से आना पड़ेगा। तो प्लीज आप इसको बहुत ही पक्का कर दो, परफेक्टली देख लो, 2-3 बार लिख दो तो आपका पक्का हो जाएगा, और जो मैंने ट्राई करने के लिए दिया है वो अच्छे से ट्राई करें। ओके, देख लो बच्चों।